डीजी नैब लाहौर का मीडिया को इंटरव्यूज देने का मामला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मीडिया को इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। डायरेक्टर जनरल्स और दीगर अफसरान की मीडिया को इंटरव्यू पर भी पाबंदी। आइंदा सिर्फ नैब तर्जमान ही किसी रेफरेंस या मुकदमे की मीडिया को मालूमात देगा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के इंटरव्यूज का रिकॉर्ड तलब। ईडन हाउसिंग के मालिकान से प्ली बार्गेन नहीं होगी, मुतासरीन को असल रकम और मुनाफा भी मिलेगा। नैब ने ईडन हाउसिंग सोसाइटी के 20 अरब के असासे कब्जे में ले रखे हैं। नैब दफ्तर के बाहर मुजाहरा करने वाले मुतासरीन को अंदर बुलाकर चेयरमैन नैब की दहानी। कहा, करप्ट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल जारी रहेगा। डीजी नैब शहजाद सलीम की चेयरमैन नैब को दीगर मेगा करप्शन केसेस पर भी ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ के अकाउंट का 500 सफात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड नैब को जमा करवा दिया गया। HBL बैंक का नुमाइंदा नैब में रिकॉर्ड समेत पेश। नैब शहबाज शरीफ और उनके दोनों बेटों के एहसासों के हवाले से तहकीकात कर रहा है। हबीब बैंक से अकाउंट की तफसीलात तलब की गई थी। रिहायशी लाहौर के जायदादें दुबई में कैसे बनाईं? FIA ने लाहौरियों की दुबई में जायदादों का खोज लगा लिया। 70 से ज्यादा अफराद को प्रॉपर्टी छुपाने पर नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस मिलने के बाद एक दर्जन से ज्यादा अफराद के FIA से राबता। मेट्रो ऑरेंज लाइन की तरह एक और मंसूबा ताखीर का शिकार। एक मोरिया पुल अंडरपास तौसी मंसूबा रोक दिया गया। फंड्स की किल्लत के बायस काम ठप। PC1 के मुताबिक अंडरपास 30 अप्रैल को खोला जाना था। मंसूबे की लागत का तखमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया है। सूरज बादलों की ओट में गायब, शहर पर स्मोग और आलूदगी के बसेरे। बाघों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर आ गया। शहर में मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 से तजावुज कर गया। गार्डन टाउन में सूरत हाल भी खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 की सतह पर पहुंच गया। अपर माल पर 405, गाजी रोड के इलाके में 425 और बेदिया रोड पर 281 की सतह है। बैनुल अक्वामी इदारा माहौलियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स की हद 250 है। 300 की हद क्रॉस करने पर एमरजेंसी लगाना पड़ती है। स्मोक को बनने ना दें रोग, जनरल हॉस्पिटल के जेर तमाम आगाही सेमिनार और वॉक का इंतजाम। डॉक्टर्स और माहरीन ने स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। तनख्वाहें ना मिलने पर शाहीन एयरलाइन के पायलट, कैबिन क्रू और दीगर स्टाफ सड़कों पर आ गए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहरीन की नारेबाजी, फौरी तनख्वाहें दिलवाई जाए। मुजाहरीन का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। पुलिस को गैर सियासी बना रहे हैं, मुझ पर किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं। जराइम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही करने वाले अफसरान अब बच नहीं पाएंगे। पुलिस के अंदरूनी एहतसाब का यूनिट कायम किया जा रहा है। शहरी झूठी दरखास्तें देकर वक्त जाया ना करें। IG पंजाब की जेर तरबियत, पुलिस अफसरान के वफद से मुलाकात में गुफ्तगू। वफद को ऑफिस में शिकायत सेल और दीगर शुबों का दौरा भी करवाया गया। पुलिस असलाहत पर नए IG भी अमल दरामद ना करवा सके। IG ऑफिस के क्लर्क्स की तैयार करदा पुरानी फहरिस्तों पर ही दोबारा प्रमोशन बोर्ड तश्कील। 2017 की पुरानी लिस्ट में कई रिटायर्ड अफराद के नाम भी शामिल थे। SPs की 45 सीटों पर DSPs को तरक्की दी जाएगी। फहरिस्त को अपडेट कर लिया गया। एडिशनल IG एजाज शाह का मौका। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी को वर्दी पर बैजेस और रिबन गलत लगाने पर तनकीद का सामना। अपनी ही फोर्स के अहलकारों ने सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू कर दी। बैजेस ना लगाना मामूली बात या फिर काबिल सजा? सोशल मीडिया पर अहलकार की अपनी राय, सवालात के अंबार लगा दिए।
लाहौर हाई कोर्ट पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद ना करने पर बरहम। 6 नवंबर 2017 का हुक्म था, अमल क्यों नहीं हुआ? अब तक पब्लिक सेफ्टी कमीशन क्यों नहीं बने? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इनवारुल हक। पिछली हुकूमत में वजीर आला को समरी भिजवाई थी लेकिन मंजूर नहीं हुई। सरकारी वकील, इस हुकूमत को क्या मसला है? क्यों अदालती हुकुम पर अमल नहीं हुआ? जस्टिस इनवारुल हक ने सेक्रेटरी कानून को 22 नवंबर को रिकॉर्ड समय तलब किया है। गद्दारी केस पर समाअत, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और सहाफ़ी सरल मेडा लाहौर हाई कोर्ट पेश। एहतसाब अदालत पेशी के बाद नवाज शरीफ पेश ना हुए, कार्रवाई 19 नवंबर तक मुलतवी। पेशी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर तनकीद, बोले शहबाज शरीफ को एक केस में बुलाकर दूसरे में गिरफ्तार किया गया। नैब एक काला कानून है, डीजी नैब का दावा है कि वो मर्द मोमिन है। इमरान खान अपने दाएं बाएं करप्शन खत्म करें। सरकारी आराजी वागजार ना करवाने पर लाहौर हाईकोर्ट अफसरान पर बरहम। डीसी गुजरावाला की सरजनिश, चीफ सेक्रेटरी साहब अफसर इतने काबिल होते तो आपको बुलाने की जरूरत पेश ना आती। चीफ सेक्रेटरी नसीम खोखर के पेश होने पर अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को कश्मीर कॉलोनी गुजरावाला की सरकारी आराजी वागजार करवाने का हुक्म दिया था। अवामी शिकायत पर सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी का बड़ा फैसला, स्पेशल मजिस्ट्रेट्स के तमाम समरी क्लर्क्स को ओहदे से हटा दिया गया। तमाम क्लर्क्स को सेशन कोर्ट रिपोर्ट करने की हदायत, तमाम रीडर्स को भी तब्दील कर दिया गया। काम में गफलत बरतने वाले अहलकारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सेशन जज लाहौर। पंजाब में कयादत का कोई बहरान नहीं, वज़ीर आज़म ही लीडर और कप्तान है। किस खिलाड़ी को कहां खिलाना कप्तान बेहतर जानता है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेट्रो ट्रेन चलेगी, मंसूबे के लिए 300 अरब किसी के घर से नहीं आए। शहबाज हुकूमत ने परवेज इलाही के मंसूबे रोके, हम ऐसा नहीं करेंगे, पंजाब को क्लीन एंड ग्रीन बनाकर दम लेंगे। धरने में इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर दिया। रियासत के पास ऑप्शंस मौजूद थे मगर मुज़ाकरात का रास्ता चुना। वफाकी वजीर मजहबी अबूर नूरुल हक कादरी का उलमा मशायख कन्वेंशन से खिताब, बोले इंतशार फैलाने वालों का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए टास्क दिया, इकोनॉमिक जोन के लिए पॉलिसी बना ली। सूबाई वज़ीर सनअत तजारत मियाँ असलम इकबाल का पीसी होटल में सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जरूरी है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यूनिसेफ के वफ़द की मुलाकात और माँ के दूध की अहमियत, बच्चों में ग़िज़ाई कमी पर तबादला ख्याल। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब हुकूमत माँ और बच्चे की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। एलडीए के चौकीदार का सिर्फ एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हुआ तबादला, सूबाई वजीर ने ट्रांसफर रोकने के लिए सिफारिश कर दी। वजीर इंसानी हकूक एजाज असलम का डीजी एलडीए को सिफारिशी मरासला, सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिफारिश की। वजीर इंसानी हकूक ने लेटर लिखने का एतराफ भी कर लिया। महकमा बनावलड हुकाम की गफलत से सरकारी मुलाजमीन के बच्चे मुतासर, दो माह के फंड्स ना मिलने से वजीफा पाने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकाम की सुस्ती और गफलत के बायस तलबा और वालिदैन शदीद अजियत में मुब्तला। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में बड़ी तब्दीली, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डॉक्टर उमर सैफ को होदे से हटा दिया गया। चेयरमैन पीएनडी हबीबुर रहमान गिलानी को चेयरमैन पीआईटीबी का भी इजाफे चार्ज सौंप दिया गया। डॉक्टर उमर सैफ 2011 से चेयरमैन पीआईटीबी के ओहदे पर तैनात थे।
مشن کلین لاہور 41ویں روز لنڈا بازار، لوہاری مارکیٹ اور دیگر علاقوں کی باری، عملے نے چھوٹی اور بڑی مشینری سے تھڑے، شیڈز اور دیگر تجاوزات مسمار کر دیں۔ اچانک آپریشن پر لنڈا بازار میں تجاوزات کے ذمہ دار منہ تکتے رہ گئے۔ لارڈ میئر کی پبلک ٹرانسپورٹ آنر فیڈریشن کے عہدیداروں سے ملاقات ہوئی، درپیش مسائل سے آگاہ کیا، موجودہ مسائل مسافر خانوں کو بھی اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ، سی ٹی او لاہور سے بھی وفد کی ملاقات ہوئی، شہر میں ٹریفک کے بہاؤ کو مزید بہتر بنانے کی تجاویز زیر غور۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب شعبہ صحت کی بہتری کے لیے بھی کوشاں، شعبہ لائف سائنسز کے زیر تمام ورلڈ اینٹی بایوٹک ویک کا آغاز، ڈاکٹرز نے اینٹی بایوٹک ادویات کے فوائد اور نقصانات سے شرکا کو آگاہ کیا۔ اور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرحبا مرحبا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروج پر، گھروں گلیوں اور بازاروں کو سجانے کا جذبہ دیدنی، گنپت روڈ پر سجاوٹی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش۔